नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। भिंड में एक वायरल राज्यमंत्री के पत्र के माध्यम से अजीबोगरीब मामला उजागर हुआ है। राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने पुलिस अधीक्षक भिंड को पत्र जारी कर आरक्षकों की पदस्थापना के संबंध में उन्हीं के द्वारा चिन्हित थानों में पदस्थ करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल महगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक और नगरीय विकास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने 17 फरवरी 2021 को एक पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किया, जिसमें वर्तमान पदस्थापना और अन्य कॉलम में नवीन पदस्थापना लिखा है, जिसमें कुल 13 आरक्षकों की पदस्थापना के लिए विभिन्न चिन्हित थानों में पदस्थ करने के लिए आदेशित किया है, जहां आरक्षकों को सीधे पुलिस लाइन से विभिन्न थानों में भेजा जाना है, तो वहीं 4 आरक्षकों की थानों में ही अदला बदली करने के लिए निर्देश हैं और अंत में पदस्थापना करने के बाद वर्णित आदेश को कार्यालय सूचित भी करना है। मजे की बात तो यह है कि अब तक मंत्रियों सांसदों के पत्रों द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए सिफारिशें होती थी, लेकिन आरक्षकों की चिन्हित थाने में पदस्थापना वो भी स्थानीय मंत्री के निवासरत गृह जिले में बड़े सवाल खड़े करती है। वायरल पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की तरफ से सांसद प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया ने कहा है कि जिले भर में विभिन्न थानों पर आरक्षकों को पदस्थ करने के पीछे का कारण उनके रेत में शामिल लोगों के डंपरों और उनके लोगों को कोई ज्यादा परेशान न करे, रेत के अवैध परिवहन उत्खनन में कोई दिक्कत न आए, ऐसी मंशा इसमें साफ जाहिर होती है। मुझे जानकारी मिली है कि ओपीएस भदौरिया जी ने 13 आरक्षकों को भिंड के विभिन्न थाना में ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया है और बड़ा दुखद है कि जो राज्य मंत्री है वो पुलिस प्रशासन पे इस तरीके का दबाव बना रहे हैं। देखिए, वैसे तो ट्रांसफर के लिए राज्य मंत्री लिखता है, लेकिन वो जिला बताता है। यहाँ पर ये देखा है कि यहाँ पर आरक्षक को किस थाने में पदस्थ करना है, किस व्यक्ति को कहाँ ले जाना है, यह भी आदेश दिया गया है, जबकि ये पूरी तरीके से जो जिले के एसपी हैं उनका ये स्वाधिकार होता है। तो एक तरीके से ये हकों पर अतिक्रमण है। राज्य मंत्री जी एसपी के कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और यह सीधे सीधे से पुलिस प्रणाली के पर क्या कहते हैं हमला है। देखिए, ओपीएस भदौरिया जी सिंधिया समर्थक है, हर कोई जानता है, और ये जो वाक्य है इसे समझ में आता है कि जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से ओपीएस भदौरिया आते हैं, यहाँ पर रेत माफिया बड़ी तादाद में सक्रिय है और रेत माफिया को मंत्री ओपीएस भदौरिया जी का संरक्षण प्राप्त है और उस संरक्षण को बनाए रखने के लिए, ताकि संरक्षण बना रहे, उनके डंपर को कोई रोके नहीं, तो इसलिए विशेष क्या कहते हैं अपने लोगों को ये अलग अलग थानों में पदस्थ कर रहे हैं। मैं ये मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि मंत्री जी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भी रेत माफिया का जो आतंक पूरे प्रदेश में पसर रहा है, और अभी हाल ही 2 दिन पहले ही ओपीएस भदौरिया जी के विधानसभा क्षेत्र में ही एक युवक की रेत को लेकर हत्या कर दी गई और उसमें बड़े आरोप लगे कि प्रशासन की मिलीभगत है और जिसकी वजह से रेत माफिया काम कर रहा है। तो यह जो सब कुछ ओपीएस भदौरिया जी कर रहे हैं, मंत्री जी कर रहे हैं, उससे यह साबित हो जाता है कि ओपीएस भदौरिया जी का संरक्षण है रेत माफियाओं का, उनकी संलिप्तता है। उन पर जांच होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।